अब खबरें विस्तार से। भारतीय राज्यघटना के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण दिन मौके पर विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि अर्पण की गई। भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण दिन मौके पर पूर्व सांसद नरेश बाबू बुगलिया इनके मार्गदर्शन में विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस जिला चंद्रपुर की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण दिन मौके पर विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस जिला चंद्रपुर की ओर से स्थानीय आम्बेडकर चौक चंद्रपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके पूर्णाकृति पुतला परिसर में कांग्रेस के युवा नेता राहुल बाबू बुगलिया इनकी प्रमुख उपस्थिति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम लिया गया। सर्वप्रथम कांग्रेस के युवा नेता राहुल बाबू बुगलिया ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके पूर्णाकृति पुतले को पुष्प चक्र अर्पण कर श्रद्धांजलि दी और विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस युवक कांग्रेस NSUI हिंसक संघटना कामगार संघटना की ओर से पुष्पा अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पण की गई। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम अवसर पर विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस के महामंत्री एडवोकेट अविनाश ठावरी करण बाबू पुगलिया शहर अध्यक्ष तथा नगर सेवक देवेंद्र पेले महामंत्री तथा नगर सेवक अशोक नागापुरे चंद्रपुर जिला इंटक के अध्यक्ष चंद्रशेखर कोड़े एडवोकेट विजय राव मोगरे NSUI के जिला अध्यक्ष स्वप्निल तिवारी नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष अरुण बुरडकर पूर्व नगर सेवक महेंद्र जायसवाल श्रीनिवास पारनंदी युवक कांग्रेस के स्नेहल सालूरकर दुर्गेश चौबे चेतन गेडाम महेश माशीरकर कामगार संघटना के वीरेंद्र आर्य सुभाष माथनकर गजानन दिवसे अनिल तुंगीडवार सुनील बकाली कृष्णा यादव सुनील भावने कांग्रेस के सुधाकर सिंह गौर बाबूलाल करुणाकर रतन शीलावार मुरलीधर चौधरी पृथ्वी जंगम सुनील बोडने और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर 65वां महापरिनिर्वाण दिवस त्यानिमित्त आज डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर पुतळा परिसरात कोविडचे सर्व नियम पाळून मागच्या 2 वर्षापासून जी कोविडची साथ पसरली आहे त्यानुसार सर्व कार्यक्रम सर्व बंद होते। सामाजिक कार्यक्रम सर्व बंद होते। आता ते छोट्या प्रमाणात सुरू झाले पण आता नवीन वेरियंट पुन्हा आल्यामुळे आज आम्ही फार कमी प्रमाणात कार्यक्रम घेतलेला आहे। आणि आज मी सर्वांना सांगू डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे काम केलं ते सर्व जनतेपर्यंत पोचलं पाहिजे आणि खास करून जे युवक आहेत युवकांना ही प्रेरणा मिळाली पाहिजे ना त्या माध्यमातून युवक तयार झाले पाहिजे। बाबासाहेबांची चळवळ आपल्याला समोर न्यायची आहे बाबासाहेबांची चळवळ आपल्याला समोर चालवायची आहे म्हणून युवकांनी प्रामुख्याने समोर येऊन बाबासाहेबांची चळवळ समोर न्यायसाठी काम करावं आणि त्यांनी समोर येऊन बाबासाहेबांना अभिवादन करून मी त्यांना विनंती करतो की युवकांनी समोर यावं आणि चळवळ चालवावी आणि आज बाबासाहेबांचा अभिवादन पण 65वा महापरिनिर्वाण दिवसानिमित्त सर्वांना मी अभिवादन करतो।